सारे जय मसीह जी। मेरी पत्नी सी 2 साल मैं अल्ट्रासाउंड कराया जी। मेरी पत्नी का डॉक्टर कहते ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं जी, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, फर्स्ट जी से दुआ प्रार्थना कराऊंगा जी। तो अगले हफ्ते तो मेरी पत्नी बाहर आ गई जी। पत्नी मेरे को है जी, दिखाओ ਸੁਮਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਮਰਦੀਪ ਕੋ ਪਾਸਟਰ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਮੇਰੀ ਪੱਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष सोने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि प्रभु की दया, प्रभु की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। और परमेश्वर महान है, वह राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है और प्रभु सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। धन्य हो आप लोग जो प्रभु में चल रहे हो, धन्य हो आप लोग जो परमेश्वर में बने हुए हो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे भटक रहे हैं अपने जीवनों से, अपने जिंदगियों में क्या करें क्या ना करें, लेकिन हम हमारे ऊपर प्रभु की दया, प्रभु की कृपा हुई है। हम ब्लेस्ड हैं प्रभु के नाम से क्योंकि हम लोग चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। और मैं तो यही कहूँगा कि क्रिसमस का महीना है, आशीष लो, जमकर आशीष लो, दबा दबा कर आशीष लो। लेकिन आशीष लेने के भी तरीके होते हैं बहुत सारे। और इस बुधवार को शाम को 8 बजे डबल आशीष की प्रार्थना है। मैं कहता हूँ आप लोग जरूर जुड़ें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप ब्लेसिंग को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारा आज का टॉपिक है कि आप पर हानि का कोई चिन्ह है न पाया जाएगा। हालेलुया। कि आप पर हानि का कोई भी चिन्ह न पाया जाएगा। हालेलुया। हानि का कोई भी चिन्ह है आप पर न पाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये इस पे बहुत सी बातें बताई जा सकती है, मतलब कि बहुत तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन मैं जो आपसे बताना चाहता हूँ वो ये है कि वचन में लिखा हुआ है दानियल में 6 में कि राजे ने क्या किया था, जो दानियल था उसको आज्ञा दे दी थी कि इसको शेरों की मांदों में घेर दिया जाए। हम पढ़ेंगे 6:16 में लिखा हुआ है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो समझ लो कि किसी को उठाकर किसी खड्डे में गिर दिया और उसको ये बोल दिया कि तू परमेश्वर परमेश्वर करता था, अब परमेश्वर ही तेरी रक्षा करेगा। तू प्रभु, जैसे कि लोग कहते हैं तो प्रभु प्रभु कहती थी और देखता हूँ तेरा प्रभु क्या करेगा। कुछ भाई को बोलते हैं कि तू प्रभु प्रभु तुम जपते रहते हो, मैं देखता हूँ तुम्हारा परमेश्वर क्या कर लेगा। तो जो हानि, उन्होंने तो हानि में डाल दिया। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे लिखा हुआ है उसको शेरों की मांदों में डाल दिया और तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। हालेलुया। और लिखा है कि और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने पर प्रधानों और अंगूठियों से मुहर लगा दी और दानियल के विषय में कुछ बदलने नहीं पाए। मतलब किसी ने अपनी मोरे लगा दी, अपने प्रधानों की मोरे लगा दी उसके ऊपर पत्थर लगा दिया उसको मांदों में घेर कर। और पत्थर क्या दर्शाता है वहाँ पर, वो पत्थर दर्शाता है एक चैलेंज दर्शाता है, एक अंधकार दर्शाता है वहाँ पर। कि जब वहाँ पर क्या था कि जब शेरों की मांद में उसको घेर दिया गया और ऊपर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया, उसके ऊपर छाप लगा दी गई कि इसको कोई छेड़ना ना पाए, इसको कोई हिलाने ना पाए। और अंदर क्या था, अंदर मौत थी, अंदर हानि थी, उसके अंदर संकट था, उसके अंदर बंधन थे, उसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमें हमारे लोग वहाँ पर खड़े कर देते हैं और हमसे क्या कहते हैं। ऐसे राजा ने क्या कहा इससे, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। भी वही तुझे बचाएगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जिसको पर जो इसको ज़्यादा प्यार करता था राजा, और उसी ने मोहर लगा कर क्या बोल दिया, भाई तू जा, तेरा परमेश्वर ही तेरी रक्षा करे। और
हमारा आज का टॉपिक भी ये है कि आप पर हानि का कोई चिन्ह है न पाया जाएगा। लोग हमें जिसके ऊपर बहुत ऐसे लोग होते हैं, हम उम्मीद लगा के रखते हैं, एक आस लगा के रखते हैं और वही हमारे साथ कुछ ऐसा गलत कर जाते हैं कि एक बारी के लिए तो वो जीवन में ऐसी तबाही आ जाती है कि आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमें उसके ऊपर भरोसा था, उसने हमारे भरोसे को तोड़ा, हमारी उम्मीद को तोड़ा, हमारी सोच को तोड़ा। भाई एक ये होता कि हमें पता होता कि कुछ गलत हम कर रहे हैं, एक जब हमने कुछ गलती की भी नहीं होती है तो भी एकदम से ऐसा वो जो एक सदमा होता है वो चीज़ें आपको कहाँ लेके जाती हैं, एक मौत की द्वारे, एक मौत के दरवाजे पर आपको लेके चली जाती हैं और वो जो होता है हानि का कारण। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें परमेश्वर पर आस उम्मीद रख के चलना है, ना कि इंसानी लोगों पर आस उम्मीद रख के चलना है, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर में चल रहे हैं, अब राजे पर उन्होंने भरोसा रखा था और राजा उसे क्या कह रहा है, वही उस पत्थर उसने लगवा कर और मोहरे लगवा दी उसके ऊपर और वो क्या कह रहा है कि तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाए। ऐसे बहुत से आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जिनके ऊपर हम उम्मीद रखते हैं, भरोसा रखते हैं और वही लोग हमें बीच बचार में छोड़ कर चले जाते हैं, भाई चलो भाई तेरा अपने इसका होता रहेगा, और बाद में कुछ बोल दिया हमसे तो ये हो गया, हमसे तो गलती होगी, ऐसा मतलब एक्सपायर जो भी अपने बीच में जो अपने हमारे जीवन में जो बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हानि के बारे में, ऐसी हानियाँ हमारे जीवन में हो जाती हैं, हमें सोचते हैं ये मेरा भरोसे लायक है, चलो हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ये मेरा भरोसे लायक बंदा है, हम ऐसा करें तो वही उन बिजनेसों में हमारे ऊपर हानि आ जाती है, उन परिवारों के कारण हमारे पर संकट आया तो उन हानि आ जाती है। लेकिन हम उन संकटों से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमें हानि में डालता है, मान लो आपके घर में दुष्ट आत्माएं हैं वो आपको हानि में डालती है, मान लो आपके घर में गरीबी है वो आपको हानि में डाल रही है, मान लो आपके घर में लड़ाई झगड़ा है वो आपको हानि में डाल रहा है, मान लो आपके घर में कर्जा है वो आपको और हानि में डाल रहा है, मान लो आपके घर में जादूटोने का बंधन है वो आपको और हानि में डाल रही है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर में आप हो, परमेश्वर का अगर आप जानते हो तो वो ये कह रहा है राजा कि तेरा परमेश्वर ही तेरी रक्षा करेगा। पहली बात तो ये, उसने क्या बोल दिया कि तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करे और उसने उसको शेरों के मांदों में फेंक दिया, वो भूखे शेर थे वो भी। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर और हमारी जो बीच का प्यार है वो परमेश्वर जानते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे 6:23 का बी पार्ट में लिखा हुआ है कि वहां पे लिखा हुआ है कि तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने के लिए आज्ञा दी। दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह है न पाया गया। अंदर शेर थे, कौन थे, सिंहों के बीच में एक इंसान, सिंहों के शेरों के बीच में एक इंसान पूरी रात रहा और भूख शेरों के बीच में। देखो लेकिन आगे का लिखा हुआ है, राजा बहुत आनंदित हुआ जब उसको पता लगा कि दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। जब उसने दानियल गड्ढे में निकाला गया उस पर हानि का कोई भी चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग हमें हानि में डाल देते हैं, लोग हमें नीचे गिरा देते हैं, लोग हमारा फ्यूचर ख़राब कर देते हैं, लोग हमारे आने वाली पीढ़ी ख़राब कर देते हैं, सब कुछ चलता है जो आजकल जीवन में चल रहा है लोगों के। लेकिन परमेश्वर का वचन का कह रहा है कि दानियल पर कोई भी हानि की निशानी नहीं थी, हालांकि उसको मार देते शेर, भूखे शेर, लेकिन उसके ऊपर कोई भी हानि ना थी। क्यों नहीं था उसके साथ, वहां लिखा हुआ है क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। अब लोग कहते हैं, हम कहते हैं विश्वास करो, कहते हैं हमें तो 20 साल से विश्वास कर रहे हैं, हम तो 50 साल से विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन पेट का दर्द नहीं जा रहा है। अब ये दानियल देखो, पवित्र बाइबल में स्पष्ट एक लाइन लिखी गई है, क्या लिखी गई है कि क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था इसलिए उस पर हानि का कोई भी चिन्ह नहीं था। अब बात आती है अपने जीवन की, अगर हमारे ऊपर हानियां आ रही हैं, अगर हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं, अगर हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं, अगर हम भी सिंहों के मांदों के आगे गिरे जा रहे हैं, सिंहों की मांद मतलब कि वो उसके जीवन ख़त्म था, मतलब अब आपके हालात ऐसे हैं जो कि लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं, लास्ट कड़ी पे आ गए हैं कि अब तो बस ख़त्म हो गया है,
मेरी बीवी ठीक नहीं हो रही है, मेरे घर में संकट चल रहे हैं, मेरे घर में बंदा चल रहे हैं, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे घर में बीमारियां हैं, मेरे घर में नशा है, मेरे घर में गरीबी है, मेरे घर में संकट है, मेरे घर में ऐसे बंधन हैं, मेरे घर में ऐसा परिवार के अलग अलग बंधन जैसे होते हैं वैसे अलग अलग बंधन हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपको पर कोई भी हानि का चिन्ह ना होने पाए और लोग आनंदित रहें, वहां पर लिखा राजा आनंदित हो गया सुनकर कि जो देखें मसीह लोग देखें वो भी आनंदित हों कि वाह प्रभु की दया से ये परिवार मसीहत में आगे बढ़ रहा है। और तीसरी बात वहां पर लिखी हुई है कि जो वहां पर उसको राजे ने जब उसको बाहर निकलने की आज्ञा दी तो उसके ऊपर कोई भी चिन्ह के दाग नहीं थे, कोई भी चिन्ह नहीं था, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया, वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऊपर भी ऐसी हानि आती हैं, ऐसे संकट आ रहे हैं, अगर आपको ऊपर भी ऐसी बड़ी बड़ी समस्या आ रही हैं कि द्वार बंद हो गए हैं और सील लगी है दीवारों के ऊपर कि वो कवर हो गया, कि हम सोचते हैं कि ये संकट से हम नहीं निकल सकते, ये बड़े बंधन से हम नहीं निकल सकते, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी आ गया है, इस हम बाहर, मतलब जो नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर राजा ने वहाँ पर पत्थर जब लगा दिया था, उसको सील कर दिया था और अंदर एक चैलेंज चल रहा था, और वो चैलेंज क्या था, वो जो इंसान था, वो जो मनुष्य था, वो जो दानियल था, वो लड़ रहा था अंदर, दुश्मनों से नहीं लड़ रहा था वो पवित्रताई में नहीं लड़ रहा था, वो आत्मिक तौर में लड़ रहा था, वो आत्मा में खड़ा था और उसकी प्रार्थना 24 घंटे चल रही थी उसकी प्रार्थना, क्योंकि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और वहाँ पर दानियल प्रार्थना कर रहा है प्रभु के आगे और कुछ नहीं कर रहा, और जो दुश्मन हैं वो सामने खड़े हुए देख रहे हैं, दुश्मन उनको देख रहे हैं। दुश्मन कौन है? वो शेर। और हमारा दुश्मन कौन है? जो आपके जो दुश्मन एंटी कौन है? वो शेर हैं जो आपको फाड़ खाना चाहते हैं, वही लोग हैं, वही कर्जा, वही बीमारियां, वही बंधन, वही कष्ट, वही ऐसे संकटें जो आपको खाना चाहते हैं, लेकिन हमने सामना करना है यहोवा परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर के नाम से जब हम सामना करेंगे तो ये हानि ये संकट आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और आप सही सलामत अपने मसीह जीवन में चलते रहोगे, आप सही सलामत आप प्रभु के अंदर चलते रहोगे, आप सही सलामत प्रभु की महिमा करते रहोगे, प्रभु की आराधना करते रहोगे, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। लेकिन अगर हम सरेंडर ही कर देंगे कि अब तो हमें शेयरों के मानदों में लेके जा रहे हैं, अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, अब तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, जब हम सरेंडर ही हो गए और शेयरों की मानदों में जब फेंक रहे हैं जा ही रही हैं, तो वचन पढ़ेंगे तो क्या होता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि वे अपने अपने बाल बच्चों को और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, वह गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिन्हों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। ये वही शेर हैं, ये वही बंदर हैं जो आपको खाना चाह रहे थे, लेकिन जब आपने इनका सामना किया और क्या हो गया, इन्होंने आपको हाथ तक नहीं लगाया, उन हड्डियों ने आपको हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन अगर ये बेचारे इनको जब वहाँ पर लेके जा रहे हैं तो अभी तक वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं थे, शेर ने पहले खा लिया। वही शेर, वही संकट जो आपको पर आ रहे थे, जो दानियल के ऊपर थे, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब हानि उसको ऊपर आई और क्या हुआ, जो अभी उनको लेके जा ही रहे थे तो क्या हो गया, लोगों को खा लिया। किसने खा लिया? उन्हीं शेरों ने खा लिया जिनके आगे दानियल परमेश्वर के जन को आगे फेंका गया था, तब उसका शेरों का मुंह बंद था। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि संकट मुसीबतें बंधन हमारे ऊपर जब आते हैं तो हमने उसका डट कर सामना करना है, उस हानि का हमने डट कर सामना करना है, इन बातों का हमने डट कर सामना करना है, ताकि कोई भी बंदा हमारा निकट ना आने पाए, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे ऊपर ना आने पाए, बस हमने सामना करना है। लिखा है ना जिस तरह की शैतान का सामना करो भागेगा, संकटों का सामना करो भागेंगे, हानियों का सामना करो भागेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए इस वचन को समझें, अपने आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हमारे ऊपर कोई भी हानि ना आने पाए, और हमारा नया साल शुरू हो चुका है क्रिसमस, और प्रभु जी हमारे ऊपर कोई हानि ना आने पाए, हमारे परिवार के लोगों पर कोई हानि ना आने पाए। मेरे पिता दयाकरने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हमें अपनी शरण में रखे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे आने वाले पीढ़ी को आप शरण में रखे मेरे पिता। आपने कहा मैं पीढ़ी पीढ़ी तक श्राप देता हूँ और पीढ़ी पीढ़ी तक मैं संभाल के भी रखता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा मैं दंड देता हूँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी दंड चलते हैं, लेकिन प्रभु जी आपने कहा जब मैं आशीष देता हूँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष चलती है मेरे पिता, और हम आशीष के अधिकारी होने के लिए आए हैं मेरे पिता, और हम चाहते हैं मेरे पिता कि इस महीने में आप हमें आशीष दें मेरे पिता, इस महीने हम
डबल आशीष को पाने पाए मेरे पिता प्रभु जी, इस महीने में आशीष को पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक हानि दूर होने पाए मेरे पिता, मेरे परिवार से हानि दूर हो, मेरे जो शैतान मेरे मन में हानि का संकेत डालकर मेरे जो भ्रमों में डालता है प्रभु, मुझे इससे आज़ाद कर। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे प्रभु जी, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो। और मैं देख रहा हूँ एम नाम वाले प्रभु के नाम से आपके ऊपर जो भी हानियाँ हैं वो दूर हो रही हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आप ब्लेसिंग को पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और हम चुने हुए लोग हैं। और आप विश्वास करें परमेश्वर पर कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे जीवनों में अद्भुत कार्य करोगे, मैं ब्लेसिंग को पाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें और आप ब्लेसिंग को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर महान है और राज्यों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। इसलिए इस बात को समझें कि हानि हमारा कुछ नहीं कर सकती अगर हम प्रभु की शरण में हैं। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। बुधवार की लाइव प्रार्थना जरूर सुने, प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग दे। आमीन।